धौरहरा बीजेपी सांसद व नव नियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा का जिले में आगमन हुआ। सीतापुर में बीजेपी नेता व कार्यकर्ताओं ने खूब कोविड 19 के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई। हजारों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खैराबाद NH24 टोल प्लाजा पर स्वागत किया गया। शहर के नेपालापुर चौराहे पर उपाध्यक्ष रेखा वर्मा का स्वागत करने के लिए काफी देर तक जाम लगा रहा। महिलाओं के लिए रेखा वर्मा उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि महिलाओं के लिए अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने का संकल्प लिया जाए। उन्होंने कहा, मैं एक महिला होने के नाते महिलाओं के हर दर्द के लिए कदम उठाने को तैयार हूँ। विपक्षी दल के लोग भाजपा सरकार को बदनाम करने में लगे हैं, पर उनकी कोशिशें चाहे जितनी हो वो कामयाब ना हो सके। अच्छा, हिंदू रीति रिवाज में रात में डेड बॉडी जलाने का तो परंपरा नहीं है, लेकिन वहाँ पे डेड बॉडी रात में जला दी गई, तो इस पे क्या मतलब जिलाधिकारी का उस पे इसी की जांच हो रही है, इसी की जांच हो रही है कि उसमें कौन सा अधिकारी ऐसा था जिसने ऐसा आदेश दे दिया, उसी की जांच हो रही है। और जो भी दोषी पाया जाएगा जो उनके माता पिता ने कहा है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है या बॉडी रात में जला दी गई है, तो इसी की जांच चल रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उमा भारती ने कहा कि मैं पीड़िता से मिलने के लिए जाऊंगी। बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना है, हम लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए और हम सब लोग निरंतर जा भी रहे हैं। लेकिन हम लोग इस कोविड को ध्यान में रखते हुए और चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए कि हम इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं, हम लोग जाएं। ये भी कांग्रेस के लोगों को भी मना नहीं किया जा गया था कि आप मत जाइए, लेकिन इतनी संख्या में वहाँ ले जाना ठीक नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप लोग 2-4-5 जो भी लोग जाना चाहते हैं आप आराम से जाइए। लेकिन वो इस पे तैयार नहीं हुए, इसलिए इतना सब उन्होंने राजनीतिक मुद्दा बनाया। लेकिन सभी को परमिशन है वहाँ जाने की, अगर 1-2 लोग 4 लोग 5 लोग जाते हैं तो परमिशन है। आज अखिलेश यादव हाथरस पहुँची, क्या कहना? मैं तो सुबह से, क्योंकि मैं नहीं देख पाई थी अखिलेश जी हाथरस पहुँचे हैं, उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ये है, पीड़ित परिवार है, हम सब लोगों को पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। ये तो बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हम पीड़ित परिवार के साथ जब खड़े होंगे तो उनको सहानुभूति मिलेगी, उनको बल मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम। आप महिला हैं और महिला सांसद भी हैं, उपाध्यक्ष बना दी गई, इसके बाद आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे, क्योंकि महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है? देखिए, हमारी सरकार जब से 2014 में बनी, इसका तो मैं जीता जागता सबूत मैं ही हूँ। मैं 2014 में हाउसवाइफ थी, हमने जब ये अपनी बात विषय रखा तो भारतीय जनता पार्टी ने हमको राजनीति में उतारा। और सही में मायने में कहूँगी, कोई भी दल हो, भारतीय जनता पार्टी ने ही महिला को सशक्त करने का काम किया है। और मैं महिला हूँ तो महिलाओं के लिए जितना संभव प्रयास होगा मैं अपनी महिलाओं के लिए करूंगी और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करूँगी।